नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह मुझसे पूछा है कि सर, CU ET UG और PG जो BHU के लिए जो रिजल्ट है वह NTA के तरफ से कब जारी किया जाएगा और साथ ही साथ BHU में UG और PG की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा, यानी आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि CU ET UG एंड PG एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं और साथ ही साथ इन दोनों का यानी UG और PG का रिजल्ट NTA की तरफ से कब जारी किया जाएगा और साथ ही साथ UG और PG एडमिशन BHU 2023-24 कब से स्टार्ट किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं CU ET UG एडमिशन BHU की, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि BHU में जो रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस था, भरने की जो प्रक्रिया थी, उसे आप लोगों ने 26 जून 2023 रात 12 बजे तक आप लोगों ने भरा था, यानी रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस वाला काम आप लोगों ने किया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर दूं कि जिनका रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस BHU UG के लिए छूट गया है वो कृपया परेशान न हो, उन्हें एक बार पुनः अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन यह मौका आपको तब दिया जाएगा जब CU ET UG का जो रिजल्ट है NTA की तरफ से जारी किया जाएगा, और CU ET UG का जो रिजल्ट है वह NTA की तरफ से 15 जुलाई 2023 को जारी होने की निश्चित रूप से संभावना है, या 15 जुलाई 2023 को जारी किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस दिन यानी 15 जुलाई 2023 को यदि NTA की तरफ से UG का रिजल्ट जारी किया जाता है, तो रिजल्ट जारी होने के बाद लगभग 5 दिनों तक आप पुनः अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस UG एडमिशन के लिए BHU के लिए कर पाएंगे। यानी यहाँ पर दो चीज़ आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा कि इसमें वो कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस करेंगे जिन लोगों ने पहले किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस BHU UG एडमिशन के लिए नहीं किया था, और साथ ही साथ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस BHU UG एडमिशन के लिए किया था, यदि वो किसी तरह के इन्फॉर्मेशन में चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, उन्हें भी इन 5 दिनों में शामिल किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से अगर हम CU ET PG एडमिशन 2023-24 की बात करें BHU के लिए, तो इस समय PG एडमिशन BHU के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसे आप 27 जून 2023 से कर रहे हैं और अभी आप 16 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। यानी BHU में PG एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, वो 16 जुलाई 2023 निर्धारित किया गया है। यानी अभी भी आपके पास 12 से 13 दिनों का समय है, आप निश्चित रूप से PG एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करें BHU के लिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जब आप BHU PG एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से स्कैन करके आप अपलोड करना न भूलें, जिनमें 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट से लेकर के UG की सारी मार्कशीट, यानी एनुअल है तो आप 3 साल की मार्कशीट अपलोड करेंगे, और या तो आप सेमेस्टर सिस्टम आपके यहाँ है तो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट आप निश्चित रूप से अपलोड करेंगे। आप किसी विशेष कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ TC, CC और माइग्रेशन भी आपको अपलोड करना अत्यंत
जरूरी है। और साथ ही साथ मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा कर दूं कि CUET जो PG का जो रिजल्ट है वह आगामी 25 से 30 जुलाई 2023 को जारी होने की पूर्ण संभावना है, जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट NTA की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है PG का, उसके बाद इसमें भी UG के तरह ही आपको 5 दिनों का या 7 दिनों का जो समय है वह जारी किया जाएगा, या 5 से 7 दिनों का समय आपको पुनः दिया जाएगा जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकें, या जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी जो लोग कर रहे हैं उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसमें पुनः सुधार के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपना इस समय मेल ID और स्टूडेंट पोर्टल को रेगुलर रूप से चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो BHU की तरफ से एडमिशन से संबंधित वह आपके मेल या आपके स्टूडेंट पोर्टल या दोनों पर जारी किया जाएगा। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।